in a while live in Australia 2K four show එක Melbourne concert එකේ මේ Melbourne වල Basin Centre auditorium එකේ ඉන්නේ backline එක ඔක්කොම setup කරලා තියෙනවා console setup කරලා PA setup කරලා ඔක්කොම ready වෙලා sound check එක දෙගෙන ගමන් අපි ඉන්නේ මේ hall එකේ seats 950ක් විතර තියෙනවා 950 seats විතර තියෙනවා මේ auditorium එකේ අපි console එක ඉදිරියේ FOH console එකද Digico SD7 desk එකක් තියෙනවා SD series එකේ flagship console එක monitor console එක Digico ST9 එකක් PA system එක DNB Y series system එකක් තියෙනවා ඒ වගේම අපි in house system එක මේ sound system එකක් balcony fillers උයි delay stacks උයි අරගෙන තියෙනවා මේ sound system එකෙන් ඒතර මේ system එකයි DNB system එකේ systems දෙකම එකට තමයි මෙතන යන්නේ එතකොට console එක ගැන කතා කරද්දී ST7 console එක මේක මයිසල් එකේ වගේ Digico ST series එකේ flagship desk එක 253 input channels තියෙනවා 128 buses තියෙනවා මේ console එකේ तर मेके लोग को DSP पावे का आती है ना आपके वैध कर आती मार कंफर्टेबल गुड़ाक चैनल्स पुश करान लोन ने आपके DSP पावे का तीन इंद्र गोवन तरह प्लगइन्स रन करान पुलांग मेके आते लेती है ना इफेक्ट्स रन करान पुलांग ऐसे तरह आपके हेडरूम गुड़ाक तीनों में डिस्क के तो कोटा अभी आर्टिस्ट लड़ सामान इधर में वायो को मॉनिटर करान इंडियस और स्टीरियो इंडियस ना आर्टिस्ट लोग कोटा में बैकलाइन ने तक दिन ST9 कंसोल लेकिन तमा उपको में इंडियस टी का डिस्ट्रीब्यूट करने मैं हॉल लेकर ना कथा करो एकोस्टिकली ट्रीट कर लेती हॉल लगा क्योंकि मैं ऑडिटोरियम में का खींचा तो कर मैं के अतुले मिक्स करा दिए फर्स्ट मिक्स करा दिए चैलेंजर्स एकोस्टिकली सायना अडुई डिफ्यूजर्स एब्जॉर्बर्स वगैरह देवल पावच कर लेता है मैं का कंस्ट्रक्शन ने हम हदल दिए ऑडिटोरियम फॉर्मेट टेक सीट सब को हदल दिए ने ए व्यू बैंगल सारी ये दिए ने तो कर मामा कथा करो ते मैं फर्स्ट मिक्स करा दी वायो बैंड मिक्स करा दी तीन चैलेंजर्स गुडक चैलेंजर्स तीनों शो टाइम में के दी ओनम FOH इंजीनियर के लिए फेस करना चैलेंजर्स मुकद रिकॉर्डिंग स्टूडियो के वा FOH इंजीनियर की तन दी रिकॉर्डिंग इंजीनियर के चैलेंजर्स वैडी डे टू डे चैलेंजर्स वैडी एवा पुलवाम तरह इक्मनी शॉर्ट कर टास्क बैंड मिक्स कर दी पालन देता है पीए ट्यून अप मुकद अपे बैंड के वोकलिस्ट है गुडा टिका डेप्थ तीन वोकल्स तीन हेम वोकलिस्ट के वगे में तो मैं पीए का ट्यून करा दी मैं इनको वोकल रेंज को सैट नहीं देता है पीए का ट्यून करेगा मैं चैनल से गुडा क्लोक मैं ईक्यू करना आवश्यकता आवेटना है स्पेसिफिकली मैं कॉन्सर्ट का बैंड का प्ले करना कॉन्सर्ट क्या पीए सिस्टम का ट्यून कर लेते हैं बैंड का फिट है विधि मुकद नॉर्मली अभी फेस्टिवल लगे मिक्स करना होना एक बैंड सैड प्ले करना तर अभी पीए ट्यून अप करना गुडक्ल आवट हम बैंड हारियाने जनरल पीए ट्यून अप मे कॉन्सर्ट स्पेसिफिकली वायु प्ले करने कॉन्सर्ट पीए का ट्यून कर दी बैंड के रेस्पॉन्स बैंड के कटे वोकल्स मटोन स्ने टोन इवट मैचन पीए का ट्यून कर दी प्लस कंसोल के मैं आउटबोर्ड गियर्स मुकुद मे FOH यूज करना है इधर कंसोल मध्य प्रोसेस करने मैं रिवर्ब्स जाति यूज करना तुनक वोकल रिवर्ब कोई इट पास एंबिएंट रिवर्ब बैक यूज करना इट पास मम्मा तब रिवर्ब बैक पे आगे ना मम्मी रिवर्ब बैक हेम इंस्ट्रूमेंट दाना इंस्ट्रूमेंट्स के जेल करना इवागे मैं स्नैपशॉट्स यूज करना डायनेमिक कंट्रोलिंग वाला मुकद आप एक एक टाइप से सॉन्ग्स प्ले करने हिंदा इतना मैं गेट्स कंप्रेसर्स अटैक टाइम्स थ्रेशोल्ड्स विना सिन्नोने समहार सॉफ्ट प्ले करने वाला गेट्स ओपन विन्नोने इतना गुडक जैस वगे प्ले करने वाट अटैक टाइम्स अट विन्नोने तो मैं स्नैपशॉट्स यूज करना मे विधि डायनेमिक प्रोसेसर्स पैरामीटर्स के विनस्कर ये वगे मत मैं इसल की इफेक्ट्स मैं ऑन द गो डिलेस पावच करना टैप डिलेस पावच करना ये वगे मैं समार इंस्ट्रूमेंट्स तीन मैं डिले रिवर्ब इंसर्ट कल पावच करने वाती समार बस करने तर बीजे दिग्गर में यूज करना तो मैं कंसोल के अतुले इनबिल प्रोसेसिंग लिए तमें उक्को मदे वाली प्रोसेस करना आउटबोर्ड गिये का मामा मैं टू वे के लिए मेतन भी यूज करना है अभी स्टेज के उड़े खेले वालों स्टेज के उड़ बैकलाइन के सेटअप कर दिए ने बैकलाइन के इंस्ट्रूमेंट्स में आधा दिए ने मॉनिटर कंसोल लेकर हमको देने के लिए अभी दें स्टेज के लिए बाल बैकलाइन सेटअप कर लेती है अद दिन यामाहा ओ कस्टम ड्रम किट का इधर मैं के 10, 12, 14, 16 फोर टॉम्स 14 स्नेह मैं कहता मैं काउशान के कॉन्फ़िगरेशन ने ये वगे मैं के सीरीज सिंबल्स दिए ने पर्कशन किट का सेटअप कर लेती है अभी इन्हें प्लेयर्स लाइन का साउंड चेक कर लाइन चेक कर लो कमी हो रहा है इधर कीबोर्ड्स अभी नॉर्मली यूज़ कराने क्रोनोस 288 वेटेड इधर कीबोर्ड डेगा या फिर अन्य कीबोर्ड डेगा मिडी यूज़ कराने
මැක්බුක් එකක් එක්ක. එතකොට ඒකේ ටෝන්ස් එන්නේ Apple main stage එකෙන්. එතකොට ඒකට තමයි MIDI control එක use කරන්නේ. ඊපස් normal විදිහට අපේ elite guitarist back amps නැහැ. Line 6 pedal එකේ ගලින්ම direct output එක අපි ගන්නවා. ඒ වගේම මේ guitar එකේ piece of pickup එකක් තියෙනවා. මේ piece of pickup එකෙන් අපි acoustic play කරනවා. එතකොට අපි guitarist acoustic parts strumming on ලාවට piece එක pick කරගන්න. එතකොට ඒකට අපි වෙනම direct output එක pedal එකෙන් bypass කරලා අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට බේස් ගිටාරිස්ට් අත මාක් බේස් බැක් ඇම්ප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බේස් ගිටාරිස්ට් අපේ මොනිටර් එකකුත් යූස් කරනවා ඉන්නියස් එක. මොකද එයාට ලෝ එන්ඩ් ෆීල් එකට. ඒ වගේම තමයි ඩ්‍රමර් සබ්බූෆ් එකක් යූස් කරනවා ලෝ එන්ඩ් ෆීල් එක දියාගන්න ස්ටේජ් එකට. මොකද ගොඩක් වෙලාවට PA සිස්ටම් එකෙන් ස්ටේජ් එක උඩට එන ෆීල් එක මදි. මොකද අපි කාඩියෝඩ් සබ්ස් ඕ නැත්නම් තියෙන සබ්ස් කාඩියෝඩ් කන්ෆිගරේෂන් එක යූස් කරන ඉඳ අපි ගොඩක් ස්ටේජ් එක උඩ ක්ලියර් කරගන්න තමයි स्टेज लो एंड मिनिमाइज करें प्लेयर्स प्ले कर फील अभी लो एंड सबूफ हरी मोनटेकिंग हरी दिन इन इयर्स इन इयर्स यूज कर प्लेयर्स कम्युनिकेट कर कीबोर्ड टॉक बैक माइक टॉक बैक मेक इन इयर्स दिन प्ले टेम्प कॉल करने सिंधु कॉल करने टॉक बैक करना मेट्रॉम कीबोर्ड प्ले कर प्लेयर्स थ्रू आउट हम सिंधु मेट्रॉम प्ले कर बैंड प्राक्टिस करने मेट्रॉम एक लाइव शो के प्ले करने हम सिंधु में मेट्रॉम एक तो कंट्रोल कीबोर्ड इसका तो इतना ये आउटपुट का तभी पैच करके देना तो रवि तम स्टेज के ले आउट अभी तम बैंड का साउंड चेक के बड़ा इवागे शो टाइम के बड़ा मुकद Oh, 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 oh
appreciate you guys. Thank you so much. But once again, have a safe journey home. Father A and whatever. Good luck, Father A. I, Dasanam, Javi, Father.